बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों का 10 दिनों तक धरना चला था और 12वें दिन यह तय हो पाया कि उनकी बहाली जल्द से जल्द होगी। अब बातें यह आ रही है पेपर के कटिंग में, यह पेपर में यह पढ़ने के बाद मिला और भी कई जानकारियों के बाद यह मिला कि पहले सर्टिफिकेट की जांच होगी, तब उनको चयन की प्रक्रिया में लाया जाएगा। वैसे बता दें कि पहले चयन पत्र होगा फिर नियोजन पत्र होगा, बल्कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब है कि ये 94,000 बहाली में बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों के प्राथमिक और प्राइमरी यानी कि मिडिल स्कूल और प्राइमरी जो शिक्षकों की बहाली है उसमें पहले चयन पत्र मिलेगा फिर नियोजन पत्र मिलेगा। सर्टिफिकेट के जांच के बाद नियुक्ति पत्र जारी की जाएगी और काउंसलिंग की तिथि बाद में तय होगी। तो जिस प्रकार से हर बातें या प्रत्येक बातें कह सकते हैं कि जो बातें हो रही थी कि अब ये बहाली को समाप्त करके ऑनलाइन होगी, तो अब वहाँ पर वो बातें बदल गई है। अब वैसे बहाली नहीं होगी, पहले चयन की प्रक्रिया होगी फिर नियोजन की प्रक्रिया होगी। अब उसमें फर्जीवाड़ा की जो बात आ रही है, कई बातें कही गई है कि फर्जीवाड़ा में कई सर्टिफिकेट फर्जी हैं, तो उसकी जांच बहुत ही गहनता से होगी और जो भी इसमें वो नियमावली है उस पर उन पर लागू होगी। तो इसीलिए जो फर्जीवाड़ा है वह भी रोकने के लिए सरकार अपने ढंग और तरीके से वह पूरी अपने संसाधन और बोर्ड और आयोग उसमें जुटेगी, तभी वो नियुक्ति पत्र देगी। क्योंकि अभी चयन की प्रक्रिया अभी शुरू हो जाएगी और मगर काउंसलिंग की तिथि जो है वो जल्द ही उसकी एक तय होगी, तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल वहीं पर गर्दनीबाग में पीटी टीचर बहाली को लेकर के 8,000 बहाली थी, उसमें 3500 अभ्यर्थी बोले हैं, मगर कई अभ्यर्थी बोले हैं 4500 पास अभ्यर्थियों को उसमें बहाल किया जाए। तो अब देखना है कि ये सब बातें कब तक पूरी हो पाएगी। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि 94,000 बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार बोल रहे थे। अब देखते रहिएगा झकास भारत, हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे, जो भी जानकारी होगी हम उसे फिर से कहते हैं कि झकास भारत पर हम लाने का प्रयास करेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।